देखिए वोट यहाँ पर हो रहा है, 172 नंबर बूथ पर मैं खड़ा हूँ और प्रेमनगर में माताजी हैं हमारे साथ, बुजुर्ग माताजी, इन्होंने वोट अपना कास्ट किया है। रिंकू ये दिखाएं, देखिए ये लोकतंत्र की स्याही इनके हाथों पर आप देख सकते हैं, और अपने बेटे के साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। आप तो यही लोकल हैं? लोकल, बिल्कुल लोकल। अच्छा कैसे वोट करके आए और आज जो मुख्यमंत्री 9.5 साल के विकास के ऊपर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे? हाँ विकास के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास के ऊपर। और विधानसभा अर्थव्यवस्था भी हमारी 5वें नंबर से अब 3रे नंबर पे जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। विधानसभा के लिए भी वोट किया? हाँ बिल्कुल किया। अच्छा। वो मनोहर लाल जी खट्टर के उत्तराधिकारी हैं और उन्होंने भी आगे विकास की रफ्तार पकड़नी है, इसलिए हमने फूल को ही वोट डाला है, मोदी सरकार को ही वोट डाला है। अच्छा माता जी आप क्या कह रहे हो, लोकतंत्र के लिए तो वोट करना जरूरी है? इनको समझ नहीं लगने। पंजाबी बोला? हाँ। अच्छा माता जी तुसी पंजाबी समझोगे? हाँ। वोट करना आयो की कहोगे? वोट करना आया। हाँ, उम्र कितनी है माता जी? 85 साल। पचासी साल उम्र है। अच्छा वोट तुसी देना आयो, की लग रहा है कि सरकार ठीक काम कर रही है, सरकार बदलना है या वही सरकार रहना चाहिए? वैसे तो जेरी मोदी करेंदा पे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। दो जगह वोट पाई है? हाँ जी, दो जगह, लोकसभा भी विधानसभा भी। हाँ जी, हाँ जी, दोनों जगह वोट पाई है। अच्छा तो देखिए बुजुर्ग महिला है, वोट करके आ चुके हैं और लोकसभा विधानसभा दोनों के लिए उपचुनाव भी है क्योंकि, और लोकसभा का चुनाव भी है, दोनों के लिए मतदान किया है और देश की विकास का मुद्दा है इनके लिए और अर्थव्यवस्था जो 5वें नंबर पर आई है उसके लिए मतदान इन्होंने किया है। लेकिन लोग घर से निकल रहे हैं सुबह सुबह, देखिए भारी संख्या है लोगों की यहाँ पर। एक बुजुर्ग और यहाँ बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने वोट डाल दिया? नहीं नहीं डाला। क्यों, क्या हुआ? पर्ची लेने जा रहा। पर्ची लेने गए हैं? अच्छा किस बूथ पे है वोट आपका? हाँ? इसी बूथ पे है? हाँ। अच्छा तो क्या क्या लग रहा है, क्या सोच के वोट करोगे, क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों वोट करना जरूरी है, क्या लगता है आपको? हाँ देखो नहीं थोड़ा। क्या नाम है जी, कितनी उम्र है? मेरी तो उम्र 90 साल उम्र हो गई। अच्छा आपने तो बहुत से चुनाव पहले भी देख लिए, कितना फर्क देखते हो अब के और पहले के चुनाव में? हाँ ठीक है राज। अच्छा ठीक काम कर रही है सरकार, मोदी सरकार हरियाणा में? हाँ ठीक है, ठीक काम कर रहे हैं। हाँ। पहली वोट डाली? तो पहली वोट डाली है। एक फर्स्ट वोटर भी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा रवि। फर्स्ट वोटर है जी? अच्छा रवि क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ रहे हैं जी? क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीएमएस। बीएमएस? हाँ जी। अच्छा आप वोट करने आए हैं और क्योंकि लोकसभा का भी और बाई इलेक्शन दोनों वोटर हैं यहाँ पर होने, क्या सोच के वोट करते हैं? देखिए आमतौर पर हम जो भी नेता लोग हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके हम प्रचार प्रण सुनते हैं अखबार में, न्यूज में, या जा के कैंपेनिंग जो वो करते हैं उनमें हम नेताओं की जो वाणी होती है उनको सुन के हम जज करते हैं, यानी कि नेता को कि वो क्या लोग कर सकते हैं, मतलब और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोगों को, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको जज करते हैं और उसी बेसिस पे हम अपने कैंडिडेट चुनते हैं और वोट देते हैं। अच्छा क्या लगता है कि हरियाणा में और केंद्र में जो सरकारें हैं दोनों, अभी इस समय भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ठीक काम कर रही है, आगे चलनी चाहिए? जी चलनी चाहिए। वैसे तो सरकार सारे ही भारत के हित में ही काम करती है और लोगों के फेवर में ही काम करती है। सबका अपना एक मोटिव रहता है कि कौन सी पार्टी या कौन सा जो कैंडिडेट है वो किस प्रकार से काम करता है, तो ये जनता को चुनना होता है कि हमारा जो कैंडिडेट है हम किसको चुने और किसको वोट डालें। क्या इश्यूज हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर, क्या सोच के, शहर का विकास, शहर के और काम, देश की चीज जरूरत है? सबसे बड़ी बात जो महंगाई है वो कितनी बढ़ रही है, देखिए तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर हम नेता लोग से पहले तो अपील यही रहती है कि जो महंगाई है उनको कंट्रोल करें और साथ ही साथ जो शिक्षा है वो ज्यादा से ज्यादा उनको एक्सप्लोर करें, गांव गांव जाके बच्चों को जो शिक्षा है वो प्रदान करें, हम यही अपील करते हैं बस। तो चलिए फर्स्ट टाइम वोटर और पहला वोट अपना इन्होंने पहली बार वोट दिया और यहाँ पर वोट देने के बाद बाहर आए और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि विकास किस कौन कर रहा है और ये मुद्दे अहम रहते हैं और यही सोच करके आप चुनाव किया है और मतदान अपना किया है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब के सिटी टीवी करना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।